सिटी वैम न्यूज़, मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश के आज की पहली बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारतीय बाजार में आई रेमडेसिविर दवा। मेडिकल क्षेत्र की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने बुधवार को भारत में कोविड-19 संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को बाजार में उतारने की घोषणा की है। ये दवा रेडएक्स ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध होगी। आगरा में बस हाईजैक के दो आरोपी हाथ में पोस्टर लेकर सरेंडर करने पहुंचे थाने। आपको बता दें ये वही आरोपी है जिन्होंने 18 अगस्त 2020 की रात करीब 10:30 बजे दो कार सवार बदमाशों ने न्यू दक्षिणी बाईपास पर 34 सवारियों से भरी ग्वालियर की कल्पना ट्रेवलर्स की बस का अपहरण कर लिया था। मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनावत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर लगाई रोक, मगर बीएमसी ने पहले ही ध्वस्त कर दिया था ऑफिस। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज होने पर बोले एक्टर्स के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मुझे मर जाना चाहिए। यूपी में थप्पड़ का बदला मौत, तीन युवकों ने दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या। उत्तर प्रदेश के दादरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेवातियान मोहल्ले में झगड़े के बाद युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। उन्नाव में दरोगा बोला, मेरी फ्रेंडशिप स्वीकारी है तो मुझे सर ना बोलो, नाम से पुकारो, ऑडियो भी वायरल। आपको बता दें वायरल वीडियो फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र की उगुचो की इंचार्ज जागेंद्र सिंह का है। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रयागराज के एसएसपी सस्पेंड, 6 आईपीएस अफसरों का तबादला। योगी सरकार का फैसला, जीडीए में हुए 572 करोड़ के घोटाले की होगी जांच, बीएसपी और एसपी सरकार में हुआ था काम। आगरा की फैक्ट्री में लगी आग से चाइना से मंगाई 4 करोड़ की मशीन भी खाक, एयरफोर्स की फोम से काबू में आई लपटे। अभी के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे सिटी वैम न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी करें। We'll be right back.